रामराजी इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम इतिहास पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता का प्रशासन। अबुल फजल ने सामाजिक अनुबंध के रूप में प्रभुसत्ता को परिभाषित करने का प्रयास किया है। अबुल फजल के अनुसार बादशाह अपनी प्रजा के चार सत्वों की रक्षा करता है। ये चार सत्व जीवन, जन, धन, माल, सम्मान, मानस तथा विश्वास दीन थे। बादशाह इनके बदले में प्रजा से आज्ञा पालन तथा संसाधनों में भाग मांगता था। शक्ति और दैवी मार्गदर्शन के साथ केवल हम प्रभु ही इस उपबंध का सम्मान कर पाते थे। न्याय मुगल राजतंत्र का सद्गुण। मुगल साम्राज्य में न्याय को राजतंत्र का महत्वपूर्ण सद्गुण माने जाने के निम्नलिखित कारण थे। मुगल बादशाह स्वयं को सार्वभौमिक नेता के रूप में प्रतिपादित करते थे जो सभी धर्मों के लिए समान था। एक आदर्श राज्य की परिकल्पना जिसमें सुलह कुल को स्थान दिया गया था, इसके लिए संपूर्ण न्याय तथा समुचित न्याय को लागू करवाना आवश्यक था। केवल न्यायपूर्ण राजतंत्र ही राजा की शक्ति और उसकी प्रजा में सामंजस्य स्थापित कर सकता था। जहांगीर ने अपने शासनकाल में न्याय के लिए न्याय की जंजीर लगवाई थी। राज्य प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए भी समान न्याय की आवश्यकता थी ताकि गैर इस्लामी प्रजा को राज्य में भरोसा दिलाया जा सके। समुचित न्याय की भावना से प्रजा में राजा के प्रति सम्मान की भावना प्रखर होती थी और वो राज्य का समर्थन करता था। मुगल काल में संचार व्यवस्था। मुगलकालीन सूचना और साम्राज्य के बीच गहरा संबंध था। संचार व्यवस्था ने मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाने में मुख्य प्रमुख भूमिका का निभाई। विशाल मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक कुशलता का मुख्य आधार सटीक एवं विस्तृत आलेख थे जिन्हें तैयार कराने के लिए साम्राज्य विशेष रूप से ध्यान देता था। वाकिया नवीसी दरबारी लेखकों की संख्या। प्रशासन में अत्यधिक मात्रा में थी। इनका निरीक्षण मीर बख्शी द्वारा किया जाता था। दरबार में प्रस्तुत की जाने वाली सभी अर्जियों, दस्तावेजों और शासकीय आदेशों को इन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता था। दरबार की बैठकों की तिथि तथा समय के साथ उच्च दरबार से समाचार अखबाराते दरबार मोहल्ला शीर्षक के अंतर्गत दरबार की सभी कार्यवाहियों का विवरण अभिजातों तथा क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधियों अर्थात वकीलों के द्वारा किया जाता था। अखबारों के अंतर्गत दरबार में उपस्थित पदवियों का वितरण राजनयिक शिष्टमंडलों ग्रहण किए गए उपहारों अथवा किसी अधिकारी के स्वास्थ्य के विषय में बादशाह के द्वारा दी गई पूछताछ आदि सभी की सूचनाएं होती थी। कुशल डाक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण संचार प्रणाली थी। शाही डाक प्रणाली के द्वारा सभी समाचार वृत्तांत तथा महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज विशाल साम्राज्य के अधीन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक आसानी से पहुंच जाते थे। बांस के डिब्बों में लपेट कर रखे गए दस्तावेजों को हरकारों, कसीद अथवा पथमार द्वारा पहुंचाया जाता था। इस व्यवस्था के कारण दूर स्थित राज्यों में भी वृत्तांत बहुत ही कम दिनों में बादशाह तक आसानी से पहुंच जाते थे। राजधानी के बाहर नियुक्त अभिजातों के प्रतिनिधि अथवा राजपूत, राजकुमार और अधीनस्थ शासक इन उद्घोषणाओं की नकल तैयार करके संदेश वाहकों के द्वारा अपनी टिप्पणियों को अपने स्वामियों के पास आसानी से पहुंचा देते थे। मुगलों की धार्मिक नीति एवं धार्मिक अनुष्ठान। मुगलों की धार्मिक नीति के विषय में यदि चर्चा की जाए तो अकबरकालीन धार्मिक नीति की प्रमुख मानी जाती है सुलह कुल की नीति। सुलह कुल पूर्ण शांति की नीति की शुरुआत मुगल बादशाह अकबर के द्वारा की गई थी। मुगलकालीन लगभग सभी इतिवृत्त साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, जरतुष्टियों और मुसलमानों जैसे विभिन्न निर्जातीय और धार्मिक समुदायों को समाविष्ट किए हुए साम्राज्य के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। सुलह कुल की नीति विशेषताएं। सुलह कुल की विशेषताओं को हम निम्नलिखित रूप से दर्शा सकते हैं।
इस नीति के अनुसार सभी तरह की शांति और स्थायित्व के प्रतिरोध के रूप में बादशाह सर्वोपरि था। ये सभी धार्मिक एवं निर्जातीय समूहों के बीच मध्यस्थता करता था। बादशाह इसके द्वारा ये सुनिश्चित करता था कि साम्राज्य में न्याय और शांति सदैव बनी रहे। सुलह कुल को अबुल फजल प्रबुद्ध शासन की आधारशिला मानता था। इस नीति के अनुसार सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी थी। अकबर ने धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ते हुए 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। ये दोनों कर धार्मिक पक्षपात पर आधारित थे। प्रशासन से संबंधित सभी अधिकारियों को सुलह कुल नीति का पालन करने का निर्देश दिया गया था।